हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर। ये वीडियो में बताऊंगा, एक कमेंट्स आया मेरे यूट्यूब पे मिस्टर ऋषिकेश लोखंडे जी का कि सर वी कैन रेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, क्या हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस को रेंट पे दे सकते हैं? तो उसके बारे में आपको पूरा डिटेल पे बताऊंगा कि कैसे होता है, क्या होता है, दे सकते या नहीं दे सकते, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस? यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस मतलब है IEC, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जो हमारी DGFT इश्यू करती है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस आपको रेंट करना है, तो देखो यहाँ पे आप पहले ये समझो कि कौन सी प्रोडक्ट के लिए रेंट कर रहे हो। यहाँ पे क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस इज ए बेसिक चीज, बराबर है। तो IEC जो है उसके बाद लगता है GST लगता है। अगर आपके पास अकेला IEC है तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने के लिए GST भी लगेगा, और उसके बाद लगेगा RCMC भी लगेगा, और फूड में बिजनेस करते तो FSI भी लगेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा मतलब तो कौन सी प्रोडक्ट के लिए आप इसको रेंट करना चाहते हो। अकॉर्डिंग टू मी रेंट इतना अभी तो फिजिबल नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस IEC कोड है, उसका ऑफिशियल गवर्नमेंट फी है 500 रुपीज। तो कोई भी बंदा 500 मतलब कुछ भी नहीं है, तो कोई भी बंदा इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस विद इन 2 डेज में ले सकता है। ऑनलाइन प्रोसेस होता है, विद इन 2 डेज में बंदा IEC लाइसेंस ले सकता है, बराबर है। तो फिर वो रेंट क्या देगा, 500 की चीज का रेंट क्या वो देगा? तो ये जो है फिजिबल मुझे तो नहीं लगता है, और मार्केट से निकलवाएगा एज ए कंसल्टेंट 2000 में उसको लाइसेंस मिल जाएगा, तो कोई फिजिबल है नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। और उसके बाद क्या क्या मतलब IEC लेना पड़ेगा, फिर RCMC है, GST है, और FSI है, या कौन सी प्रोडक्ट में डील करते हो, तो ऐसा है। तो कोई रेंट आप चाहते हो कि आपका IEC लाइसेंस या इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस रेंट पे दो, तो मुझे तो फिजिबल नहीं लगता। और आप दे सकते हो, बट अगर मैं एक्सपोर्टर हूं या कोई एक्सपोर्टर है, बराबर है, वो हमें किसी और के IEC से एक्सपोर्ट नहीं करना। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया कि किसी और से IEC से करोगे, पहला तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पैसा उसके अकाउंट में आएगा, बराबर है। दूसरा, उसका बायर नॉन हो जाएगा, बताना तो पड़ेगा कि ये बायर का नाम तो लिखना पड़ेगा इनवॉइस पैकिंग लिस्ट में कि किसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, तो बायर उसका नॉन हो जाएगा। और गवर्नमेंट का बेनिफिट जिसके लाइसेंस से किया है, बराबर, जिससे लाइसेंस से किया है उसको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। तो फिर जो अकॉर्डिंग टू एज एक्सपोर्टर, हमें लाइसेंस किसी का रेंट पे नहीं लेना चाहिए, हमें हमारा ही खुद का IEC RCMC GST लेना चाहिए, और उसके हमारे लाइसेंस पे ही हमको एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये पूरा फिजिबल नहीं है ना इतना, और बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप किसी और के लाइसेंस से करोगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपके लाइसेंस से करो, आपका लाइसेंस ले लो और आप एक्सपोर्ट करो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और कुछ आपको क्वेरी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस के बारे में, कैसे लेना है, क्या लेना है, और उसके डॉक्यूमेंट्स क्या, कुछ भी डाउट है, आप यहाँ पे आस PS करके आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आपको आंसर जरूर दूंगा। मैं ट्राई करूंगा आपको बेस्ट से बेस्ट आंसर दो और पूरा आपको समझ में आए। और आप मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन एंड आंसर मिलते रहेंगे। थैंक यू।